देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और सरकार बनाने की कवायद लगातार जारी है। जी हां, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। एनडीए की आज संसदीय दल की बैठक दिल्ली में चल रही है, जहां एनडीए की ओर से आज राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसी बीच मथुरा से भी सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार सांसदी का चुनाव जीता है, 2 लाख से ऊपर वोटों से वो जीती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या कार्य योजना है मथुरा को लेकर और देश को लेकर क्या दृष्टि है, यह सब जानने के लिए आज हम आए हैं मथुरा के वार्ड नंबर 43 गणेशरा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी अजय शर्मा के पास। अजय जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके संगठन ने मथुरा में ही और इसके अलावा 240 सीटें और बाजी मारी है। क्या योजनाएं हैं सरकार की आगामी विकास कार्यों के लिए? राधे राधे अनुज जी, आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमा जी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त की है उन्होंने, और पूरे भारत मथुरा की जनता ने अपार प्रेम सहयोग दिखाया है भाजपा के प्रति, और भाजपा अपनी सरकार बना रही है। मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और सभी कार्यकर्ताओं में और पूरी भाजपा में, पूरे देश में बहुत ही उत्साह का माहौल है, बड़ी खुशी का माहौल है कि भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे चुनाव प्रचार प्रसार में, लगभग 2-2.5 महीने तक का ये चुनाव का समय था जो चला, तो क्या अनुभव रहा इस बार के चुनाव का? बहुत अच्छा अनुभव रहा इस बार चुनाव का। हिमा जी के साथ भी हम प्रचार में रहे यहाँ मथुरा में, और लोगों का अपार सहयोग, अपार प्रेम और भाजपा के प्रति प्रेम लोगों का जो है वो देखने को मिला, और समर्पित भाव से पूरी जनता ने और हम भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की वो सफल हुई और हेमा जी को एक बड़ी जीत प्राप्त हुई। जी बिल्कुल, ये बड़ी जीत तो हुई, आप संगठन में हैं और लगातार आसपास बने रहते हैं जनप्रतिनिधियों के पास भी। अब हेमा जी की क्या सोच है मथुरा को लेकर, आगे 5 साल वो क्या करने वाली है? हेमा जी की जो सोच है मथुरा को लेकर, वो तीसरी बार सांसद बनी है मथुरा से, भाजपा से, ये पूरी जनता को पता है मथुरा के कि हेमा जी किस समर्पित भाव से और किस भावना से पूरे मथुरा के विकास के लिए लगी हुई हैं और विकास कर रही हैं, किया है, और आगे भी 5 सालों में जो जो उन्होंने वादे और जो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हेमा जी से, वो सारी पूरी की जाएंगी और समर्पित भाव से जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य किया जाएगा। तीसरी बार वह सांसद बनी है, कार्यकर्ताओं जिस तरीके से मेहनत की, वो रंग भी लाई, जैसे हमने देखा कि 2.5 लाख से ऊपर वोटों से वो जीती भी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उनका केंद्र में कहीं पद बन सकता है? देखिए, ये तो बहुत बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, केंद्र में पद, मंत्री पद मिलने की बात, पर व्यक्तिगत रूप से हेमा जी ने जो भी वादे यहाँ के लोगों से, जनता से किए हैं, और लोगों ने इतना प्यार और सहयोग उन्हें दिया है और इतनी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करवाई है, तो मैं मथुरा के बारे में कह सकता हूँ कि वो समर्पित भाव से अपनी सारी बातों को, कार्यों को पूरा करेंगी, और मंत्रिमंडल में जगह मिलना ना मिलना ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है इस जीत को लेकर? कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है, और हेमा जी को टिकट मिलने के बाद भी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था, जोश था, और इसी जोश और उत्साह के साथ हम लोग लगे प्रचार में, लगे हेमा जी के साथ रहे, और अब जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है तो सभी में बड़ी खुशी की लहर है और सभी बड़े आनंदित हैं, बड़े खुशी में हैं। पहले डबल इंजन की सरकार थी, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार बन रही है, विकास का पहिया है वो किस तरीके से घूमेगा इस बार? देखिए, ये बात कोई कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि पिछले 2 कार्यकालों में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जो वादे लोगों से किए थे, जो जो लोग भारत की जनता को जो जो अपेक्षाएं थी उनको कहीं ज्यादा पूरा करने का प्रयास किया है और उनको 100% पूरा किया गया है मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और निश्चित तौर पे तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद एक नया भारत लोगों को देखने को मिलेगा, और विश्व पटल पे भी मोदी जी भारत को जहाँ पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाएंगे और भारत को एक पूरे विश्व में अलग पहचान दिलवाएंगे, विश्व में एक अलग पहचान दिलाएंगे। अजय जी, जब मैं आपको इंटरव्यू लेने आ रहा था तो अभी रास्ते में एक सवाल मेरे दिमाग में क्रिएट हुआ, क्योंकि मैं आपकी क्षेत्र की तरफ जब बढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि होली के समय जब मैं आपके पास आया था, यहाँ पर एक नाली का निर्माण शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, लोग बड़े परेशान है उसको लेकर। मैंने लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि भैया बहुत परेशान है और लगभग होली के समय से लेकर अब तक ना तो इसको पूरा ही किया गया है, इसको आधे में ही छोड़ दिया इस कार्य को। तो विकास की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के पास ही इस तरह के अव्यवस्थाएं, नाली की, अगर रात को कोई व्यक्ति आए तो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। देखिए अनुज जी, आप जो गहरे नाले की बात कर रहे हैं वो हमारी कॉलोनी में स्थित है, उसका कार्य लगभग होली के कुछ दिन पहले शुरुआत हुई थी उसके कार्य की, ये नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है
और यहाँ के हमारे वार्ड 43 के जो पार्षद हैं, तो उन्होंने अन्य पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, बाद में वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कार्य पूरे वार्ड में कहीं भी हो रहा हो, मैं तो व्यक्तिगत सबसे प्रेम मानता हूँ, मेरा बड़ा आदर भाव है सबके लिए। अब काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों विलम्ब हो पा रहा है, ये नगर निगम की वजह से विलम्ब हो रहा है या कुछ और कारण है, इसके बारे में नहीं बता सकता। पर हाँ, लोग परेशान हैं और कार्य में विलम्ब हुआ है और कार्य को तेज गति से होना चाहिए था। महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को दिक्कत हुई है और मैंने इस बारे में बात भी की थी और मैं अभी बात करने भी वाला हूँ, और लोगों को दिक्कत निश्चित तौर पर हो रही है और ये कार्य काफी पहले संपन्न हो जाना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता अजय शर्मा, जो कि पूर्व में इसी क्षेत्र से यानी वार्ड नंबर 43 से भाजपा के पार्षद पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन अभी भी ये लगातार एक्टिव दिखाई देते हैं संगठन में, चाहे बैठकें हों, मीटिंगें हों, आयोजन हों, कार्यक्रम हों, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक इनकी गिनती होती है कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में। तो इनसे हमने जाना कि आगामी 5 साल के लिए अब आपकी सरकार केंद्र में बन रही है। सांसद हेमा मालिनी 3री बार सांसद बनी है, आसपास ये उनके रहते हैं, तो क्या कार्य योजना उनकी रहेगी। मंत्री पद को जब सवाल के लेकर जब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये तो खैर संगठन जाने, उनके हाथ में है क्या वो मंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं, जो भी निर्णय लेगा वो सर आंखों पर होगा। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं, सरकार बन रही है और अपेक्षा है कि विकास के कार्य जो अब तक नहीं हुए या रह गए, या फिर आगामी जो नई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो परवान चढ़ेंगी। अभी के फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डाई की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध, OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।